हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं और ये वीडियो का पार्ट नंबर है R3। स्टूडेंट्स, ये जो मैथमेटिक्स की साइड बुक है उसका क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। कि हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर होता है या तो वो इवन होता है और या तो वो ऑड होता है। जैसे आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ाई है, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, अल्टरनेट क्या आ रहे हैं, इवन और ऑड आ रहे हैं। जैसे 2 आपका इवन है तो 3 ऑड है, फिर आपका 4 इवन है तो 5 ऑड है, फिर 6 आपका इवन है तो 7 आपका ऑड है। तो इसी चीज़ को हमें प्रूव करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रूव कैसे होगा, देखिए इस थ्योरम इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसे आप ध्यान में रखिए, फिर ये आपका इजीली प्रूव हो जाएगा। वो स्टेटमेंट है EDL। EDL का मतलब होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इस लेमा के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स हों, देन देयर एग्जिस्ट टू होल नंबर्स। देखिए क्या स्टूडेंट्स, कि ए और बी जो इंटीजर्स हैं, इनके बीच में आपको एक ऑपरेशन ऑपरेट करवाना है। ऑपरेशन को ऑपरेट करवाने के बाद आपको दो होल नंबर्स मिलते हैं, उन होल नंबर्स को हमने नाम दिया है क्यू एंड आर। तो ये क्यू और आर दो होल नंबर्स हैं, आफ्टर कब, जब आप ए और बी के बीच में ऑपरेशन ऑपरेट करवाते हैं। तो देखिए इस लेमा के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिलेशन आती है, किसके बीच में, ए बी क्यू आर के बीच में, वो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहाँ पर ये जो आर है इसके बारे में बताया गया, आर इज लाइज इन बिटवीन 0 एंड बी, यानी कि आर की जो वैल्यू होगी वो 0 और बी के बीच में होगी, और आर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन भी है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट के थ्रू ये जो रिलेशन आती है ए बी क्यू आर के बीच में, वो आती कैसे है। देखिए हमारे पास दो इंटीजर्स थे ए एंड बी, और हमने यहाँ पर कहा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से बड़ी है। तो जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, तो जो बी को ए से डिवाइड करने के बाद हमें क्वेश्चन क्यू मिलता है और रिमाइंडर आर मिलता है। कोई तो मिलेगा क्वेश्चन और कुछ तो रिमाइंडर मिलेगा, तो उससे हमने क्यू और आर सब कुछ कर लिया। यही बात स्टेटमेंट में भी कही गई थी कि जब ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इनके बीच में हमने एक ऑपरेशन ऑपरेट करवाया, उसके बाद तो हमें दो होल नंबर मिलते हैं क्यू और आर। तो वो होल नंबर्स हैं कौन, क्वेश्चन और रिमाइंडर। तो एक रूल है, रिमाइंडर थ्योरम है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिविजर इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर डिविडेंड कितना हमारा ए, तो यहाँ पर डिविडेंड की जगह पे ए रख दीजिए। फिर यहाँ पर डिविजर इनटू क्वेश्चन है, तो डिविजर बी है, क्वेश्चन क्यू है, तो बी इनटू क्यू हो जाएगा ये देखिए। और प्लस यहाँ पर कितना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है आर, तो रिमाइंडर की जगह पर हमने आर पुट कर दिया। तो यूक्लिड डिविजन लेमा के अकॉर्डिंग हमें ये एक रिलेशन मिलती है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, हम इसी लेमा की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये कैसे प्रूव होगा। तो देखिए ये चीज़ प्रूव करने के लिए देखिए हमें मिनिमम 4 नंबर्स की ज़रूरत है। एक तो ए बी इंटीजर्स चाहिए, और उसके बाद हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर चाहिए। तो देखिए जिस पॉजिटिव इंटीजर्स को आपको इवन और ऑड प्रूव करना है, उसे आप सपोज कर लीजिए कि लेट एन बी द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने मान लिया कि वो जो पॉजिटिव इंटीजर है जिसे इवन और ऑड प्रूव करना है, वो कौन है, लेट एन बी द गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पर बी जो डिविजर था हमारा, उसे भी सेलेक्ट करना है। तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स मान सकते हैं, और वैसे देखिए आपका इवन और ऑड का केस है, तो इवन और ऑड हम चेक करते हैं जब 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करके हम इवन और ऑड हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या है, डिविजर 2 मान लीजिए, यानी कि 2 मान लीजिए। अब लिखिए यहाँ पर व्हेन वी डिवाइड n by 2, वी गेट q as question and r as remainder। कि देखिए अब हमारे ये चारों नंबर्स हो गए, a क्या है वो n हो गया, b जो हमारा डिविजर था वो हमने किसे मान लिया है, 2 को मान लिया है, और जो हमारे दो होल नंबर्स होने चाहिए क्यू आर, वो वैसे के वैसे हैं जैसे लेमा में था क्यू एंड आर। देन बाई ई डी एल क्या हो जाएगा, देन बाई ई डी एल यूक्लिड डिविजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करा क्या आपने, एन को डिवाइड किया है 2 से, तो क्वेश्चन आपको क्यू मिला है और रिमाइंडर आर मिला है। तो हम जानते हैं कि डिविडेंड यानी कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन सॉरी डिविजर इंटू क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा 2Q, और प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर R। अब देखिए स्टूडेंट्स,
ये जो आर होगा वो लाई होगा किसके किसके बीच में, देखिए हमने कहा था कि आर के जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होगी, जीरो। और यहाँ पर कौन सा नंबर आता है, यहाँ पर आता है डिविज़र बी, तो यहाँ पर हमारा डिविज़र क्या है क्वेश्चन में, टू, यानी कि आर की वैल्यू जीरो और टू के बीच में लाई करेगी। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, देखिए आर के जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो, उसके बाद जीरो के बाद कितनी होगी, वन, बट टू से छोटी होनी चाहिए, जीरो और जीरो से बड़ी होनी चाहिए बट टू से छोटी होनी चाहिए, तो जीरो वन ही होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दो केस अराइज होंगे। केस फर्स्ट होगा कि व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, कि जब आप आर की वैल्यू जीरो लोगे, तो जब आपने आर की वैल्यू जीरो ली तो यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो पुट करिए, तो एन की वैल्यू आ जाएगी टू इंटू क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्यू होल नंबर था, तो जब आप कोई सा भी नंबर पुट कर लीजिए, वन पुट करिए, टू पुट करिए, थ्री पुट करिए, फोर पुट करिए, तो आप वन पुट करेंगे तो टू आ जाएगा, टू पुट करेंगे तो टू टू ज़ा फोर आ जाएगा, थ्री पुट करेंगे तो टू थ्री ज़ा सिक्स आ जाएगा, आप फोर पुट करोगे तो टू फोर ज़ा एट आ जाएगा। यानी कि इस केस में जो एन आ रहा है वो क्या रहा है, एन इज इवन, यानी कि जो आपने पॉजिटिव इंटीजर सपोज किया था वो कैसा आ गया, इवन। अब जो दूसरा केस होगा, दूसरा केस क्या अराइज होगा, सेकेंड केस अराइज होगा कि व्हेन आर इज इक्वल टू वन, जब आप आर की वैल्यू वन पुट करोगे, तो करिए यहाँ पर पुट, तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू क्यू, और देखिए आर की वैल्यू हमने वन पुट कर दी, प्लस वन। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप क्यू की वैल्यू वन पुट करते हो तो टू इंटू वन दैट इज़ टू, और प्लस वन कितना हो गया, थ्री। जब आप टू पुट करोगे तो टू टू ज़ा फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव। फिर थ्री पुट करोगे तो टू थ्री ज़ा सिक्स प्लस वन कितना हो जाएगा, सेवन। तो इस केस में जो n की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, देखिए n की वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं, पहले आपने 1 पुट किया तो 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में n क्या हो गया, n इज़ ऑड, तो देखा आपने। और इस कंडीशन में n की वैल्यूज़ क्या आ रही थी, जब आपने 1 पुट किया तो 2 आया था, 2 पुट किया तो 4 आया था, 3 पुट किया तो 6 आया था, ऐसे ही अल्टरनेट आते रहेंगे ये नंबर, तो सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो इससे ये प्रूव होता है, देखिए n हमारा नंबर सपोजिशन में था पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या दिखा दिया, देखिए यहाँ पर आपका इवन भी आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका ऑड भी आ रहा है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर एक बात और है कि ज़रूरी नहीं है कि आप टू को ही डिविज़र लें, यहाँ पर आप थ्री भी ले सकते हो, फोर भी ले सकते हो, फाइव भी ले सकते हो। तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट केस आप यहाँ पर जो अराइज होंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपका इवन नंबर भी आएगा और ऑड नंबर भी आएगा। आई होप स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए। थैंक यू सो मच।